और गौरी भवन की सीढ़ियों से उतरते हुए लगभग 140 सीढ़ियां उतरकर हम पहुंच गए हैं वैष्णवी भवन। यहां भी कमरे उपलब्ध होते हैं, ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑफलाइन भी होती है जो निहारिका भवन से होती है, और अगर उपलब्ध हो तो शाम को 6 बजे के बाद गौरी भवन से भी आप इन कमरों की बुकिंग करा सकते हैं। सेम डे निहारिका भवन से भी सेम डे की बुकिंग होती है। यह है वैष्णवी भवन और यहाँ से भी भवन का दृश्य, अद्भुत दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सामने जहाँ जय माता दी आप देख पा रहे हैं सेंटर में, ये नया बना हुआ दुर्गा भवन है जहाँ फ्री डॉर्मेट्री और कमरे दोनों उपलब्ध होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में इनकी बुकिंग रहती है। कमरों की बुकिंग जो है वो ऑनलाइन रहती है, ऑफलाइन निहारिका भवन से सेम डे, और उपलब्ध होने पे दुर्गा भवन से भी कमरे अलॉट किए जा सकते हैं। सामने कालिका भवन, न्यू कालिका भवन, न्यू श्रीधर भवन और श्रीधर भवन हमें दिखाई दे रहे हैं। दुर्गा भवन, दुर्गा भवन के ऊपर कालिका भवन और कालिका भवन के ऊपर न्यू कालिका भवन, और दुर्गा भवन के साइड में श्रीधर भवन और बीच में कालिका भवन और श्रीधर भवन के बीच में न्यू श्रीधर भवन। इन सभी स्थानों पर कमरे उपलब्ध होते हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत ही कम कमरों की बुकिंग होती है।